हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अ ब्रांड न्यू अमेजिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो टूल शेयर करने वाला हूं जिसके लिए मुझे शुरू से लेके आज तक हर रोज डेफिनेटली इस पर कमेंट्स मिलते रहते हैं कि सर आप हमें बताइए कि हम कैसे खुद से प्रोडक्ट रिव्यू लिख सकते हैं, एफिलिएट प्रोडक्ट रिव्यू कैसे लिख सकते हैं। और साथ ही साथ इस बात पर भी कमेंट मिलते हैं कि सर आप हमें कोई बढ़िया एआई टूल बताइए जिससे कि हम ऑटोमेटिकली अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट लिख पाएं, हमें खुद से लिखना नहीं आता है तो उससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू राइट एफिलिएट प्रोडक्ट रिव्यू, कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो कैसे आप एफिलिएट प्रोडक्ट रिव्यू क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो भी ऑटोमेटेड टूल के जरिए। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसके लिए भी इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर है जहां पर आप कॉपी राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली उस काम के लिए आप इस टूल का इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू यूज है और प्रैक्टिकली मैं आपके साथ बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कैसे इस टूल का आपने इस्तेमाल करना है। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो को प्रैक्टिकली शुरू करते हैं, लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाए और अच्छे से आपको पता चले कि कैसे आपने इस टूल का इस्तेमाल करना है, किन चीजों का आपने ध्यान रखना है। और साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग की नई ट्रेंडिंग और डिमांडिंग चीजों के बारे में आप जानना चाहते हो, प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर रोज इसी प्रकार के वैल्यूएबल अपडेट्स फ्री में मिलते रहें। अभी हम इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हैं, अगर आप हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो में और आगे बढ़े, प्रैक्टिकली अपने जाने कैसे उस टूल का इस्तेमाल करना है, कौन सा वो टूल है और किस चीजों का ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ, एक आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। ये जो आर्टिकल है, स्मूथी डाइट रिव्यू 2022, व्हाट इज स्मूथी डाइट एंड हाउ इट हेल्प यू टू लूज वेट नेचुरली, ओके, इसको मैंने उसी टूल से बनाया है। और आप सबसे पहले तो इसका लेआउट देख सकते हैं, इसकी हेडिंग्स भी उसी ने बनाई है, उसी टूल ने दी है। ये देख लीजिए कितनी शानदार हेडिंग है, काफी लेंथी आर्टिकल लिखा है और कॉल टू एक्शन बटन मुझे यहाँ तक उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दिया है, ओके। ये बहुत ही शानदार है, मैंने काफी सारे टूल्स देखे हैं, ऐसे बहुत सारे टूल्स के बारे में जानता हूँ जो आपको इस प्रकार से कंटेंट लिख के देते हैं। वो टूल या तो बहुत महंगे होते हैं या फिर उनकी क्वालिटी कुछ इस प्रकार की नहीं होती है जैसे कि ये टूल आपको देने वाला है। बिल्कुल डेफिनेटली ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मैं इस टूल को अपनी मर्जी से रिव्यू कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके साथ शेयर करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ओके। और आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेकर इसको रीड कर सकते हैं जिससे कि आपको इसकी क्वालिटी का पता चले। यहाँ पर मैं कुछ आपको रीड करके दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में इसने लिखा है, व्हेन यू हियर द टर्म स्मूथी डाइट यू माइट इमीडिएटली थिंक ऑफ एन एक्सपेंसिव फैड दैट प्रॉमिस ग्रेट रिजल्ट्स बट रियली ओनली डिलीवर्स ऑन हाई प्राइसेस एंड डिसअपॉइंटमेंट इन द एंड। तो आप इसकी क्वालिटी का यहाँ पर सिर्फ दो लाइनों से ही अनुमान लगा सकते हैं कितना शानदार इसने लिखा है, और इसका प्लैगरिज्म भी बिल्कुल जीरो है। डेफिनेटली जितने भी टूल्स हैं इस मार्केट में इस प्रकार के, उनका प्लैगरिज्म तो जीरो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी गलतियां होती है, हमें सुधारना पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए इसके अंदर मैंने कुछ भी सही नहीं किया, इस पूरे आर्टिकल को मैंने पढ़ा और बहुत ही शानदार इसने लिखा है, कहीं कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक इसने नहीं की है और एवरीथिंग परफेक्ट और एक्यूरेट करके दिया है, कहीं भी मुझे कुछ भी चेंज इसके अंदर नहीं करना पड़ा और 100% प्लैगरिज्म फ्री है, ओके। तो ये मैंने एग्जांपल दिखा दिया, इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर वो भी दिखा देता हूँ। ये टूल देख लीजिए, इसने इस प्रकार से मुझे यहाँ पे लिख के दिया था, ये उस टूल के अंदर ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं चाहूँ तो इनमें से किसी को भी पैराग्राफ को बड़ा कर सकता हूँ, कोई चीज़ यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, और जैसे कि ये पैराग्राफ बहुत छोटा दिया इसने तो इसको मैं अब भी आगे और लिख सकता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये पूरा करेगा उसको और आगे बढ़ा सकता हूँ मैं, ओके। तो आप 1000 से भी ज़्यादा वर्ड्स का आर्टिकल ईजिली लिख सकते हैं, जस्ट सिंपली 2-4 क्लिक करने हैं आपको, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्लियरली कि आपको कौन सा आर्टिकल चाहिए, किस प्रकार का आर्टिकल चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन उस आर्टिकल में होनी चाहिए, तो परफेक्टली आप यहां से एक बढ़िया एफिलिएट रिव्यू भी लिख सकते हैं और अपने किसी भी ब्लॉग के लिए, किसी भी नीच के लिए एक ब्लॉग पोस्ट भी इजिली लिख सकते हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिकली जानते हैं इस टूल का नाम क्या है और कैसे आपने यूज करना है और बाकी सब चीजों के बारे में प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले तो गाइज आपको आ जाना है जो इस वेबसाइट का या फिर इस टूल का जो नाम है वो है anyword.com, ओके, anyword.com। आप यहाँ पे anyword देख ही पा रहे हो और स्क्रीन पर मैं लिख के दे दूंगा आपको anyword.com। तो यहाँ पर जैसे ही आप आओगे तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, लेकिन गाइस अकाउंट क्रिएट करने से पहले मैं आपको इस टूल की प्राइसिंग दिखा देता हूँ, बट डोंट वरी, आपको स्केयर होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो। आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और जो बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए कि इसके तीन प्लान है। स्टार्टर प्लान आपको जो पड़ता है वो $19 का पड़ता है, $19 मंथ का पड़ता है, यानी कि कुल मिलाकर अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 1400 रुपये के आसपास आपको एक मंथ का पे करना है। और
ये किसी इंडिविजुअल के लिए, यानी कि अगर आप सिंगल पर्सन हैं, आपको कंपनी की तरह काम नहीं करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी है, बहुत अच्छा आपको कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा। ओके, इसके बाद एक यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस प्लान है जो कि आपको लगभग $239 में पड़ेगा, आप देख सकते हैं, और मंथली पे कर सकते हैं आपको, एनुअली पे करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, और साथ ही यहाँ पर एक इंटरप्राइज है जो कि अपने किसी काम का नहीं है, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको कंपेयर करके, इसके अंदर जो आपको $19 में मिलने वाला है उसके अंदर आपको 1500 words मिलेंगे पर मंथ। 1500 words यानी कि आप 15 आर्टिकल तो इजीली यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, और 25 लैंग्वेज ये जो है सपोर्ट करता है, और भी बहुत सारे फीचर हैं। बट आप इनमें से किसी भी प्लान को, जैसे कि ये $239 का जो प्लान है, इसको भी चला सकते हैं बिल्कुल फ्री में, आप यूज कर सकते हैं, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। सिंपली आपको करना क्या है, ट्राई इट फॉर फ्री, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर नीचे एक बटन दिखेगा साइन अप फॉर फ्री, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो अब आपके सामने वो इंटरफेस होगा जहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, आप चाहें तो आप गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली साइन अप पे क्लिक करना है और आपका फ्री में यहाँ पर अकाउंट बन जाएगा। याद रखिए ये आपका ट्रायल अकाउंट है, ट्रायल अकाउंट में आप 5000 words तक आर्टिकल्स को लिख सकते हो इसके अंदर, और जितने भी इसके प्रीमियम फीचर्स हैं उन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और ये 1 week के लिए है। उसके बाद अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो आपको पे करना पड़ेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेफिनेटली इसको ट्राई करें, ये आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है, आपके काम को बहुत आसान कर देने वाला है अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या आप ब्लॉगर हैं तो। उसके बाद डॉलर मंथ कोई ज्यादा नहीं है, आप इसको भी बाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप सब स्मार्ट हैं। क्या करना है, यानी कि सिंपल सी स्ट्रेटजी है, नया अकाउंट बनाओ और 1 week के लिए फिर से इस्तेमाल करो उसको। ओके, तो इस तरीके से आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 week के लिए भी अगर आप फ्री ट्रायल के रूप में यूज करते हैं तो आप काफी अच्छा कंटेंट यहां से क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे और लॉगिन करोगे उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। लेकिन जब आप शुरू में अकाउंट क्रिएट करोगे तो वहां पर आपको अपने आप वो एक ऐसे इंटरफेस पर छोड़ेगा जहां पर आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे कि आपको आर्टिकल, ब्लॉग आर्टिकल क्रिएट करना है या लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, ऐसा कुछ। तो आपको समय ब्लॉग पे क्लिक करना होगा, तो डेफिनेटली वो आपको ऐसी जगह पर पहुंचा देगा जहां पर आप अपने ब्लॉग को लिख पाएंगे। अभी के लिए सिंपली मैं यहां पर आ चुका हूं, अपने अकाउंट में लॉगिन किया है मैंने, और जैसे आप लॉगिन करोगे तो ये आपका डैशबोर्ड है, आपको ऐसे ही दिखेगा। ओके, और ये जो आर्टिकल मैंने आपको शुरू में इंट्रो में दिखाया था तो यही वो मैंने क्रिएट किया था, देख सकते हैं क्रिएटेड टुडे। अब हम यहाँ से एक नया एफिलिएट रिव्यू आर्टिकल यहाँ पे लिखने वाले हैं, और हम ये फ्री एफिलिएट प्रोडक्ट रिव्यू लिखने के लिए मैं डिजिस्टोर में से किसी एक प्रोडक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको अपना एफिलिएट प्रोडक्ट रिव्यू लिखना है तो किस प्रकार से ऑटोमेटिकली आप इस टूल की मदद से लिख सकते हैं। तो मैं अभी डिजिस्टोर 24 के मार्केट प्लेस में आ चुका हूं, और यहां पर जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है, जो पॉपुलर प्रोडक्ट है, वो है मेटिक्योर, जो कि एक वेट लॉस सप्लीमेंट है। तो हम इस पर एक रिव्यू लिख के दिखाऊंगा मैं आपको, और जानेंगे कैसे आपने इसका यूज करना है, प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूं। तो हमने यहां पर सिलेक्ट किया कि हमें मेटिक्योर पर लिखना है, बट वो आपकी मर्जी है कि आप किस पर लिखते हो, और ब्लॉग के लिए लिखते हो, एफिलिएट प्रोडक्ट रिव्यू लिखते हो, बेसिकली ये टूल बहुत सारे काम करने वाला है, जैसा आप चाहें वैसा यूज इसका कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें एक प्रोडक्ट रिव्यू लिखना है, एफिलिएट प्रोडक्ट रिव्यू लिखना है, तो इसके अंदर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और ऐसे बहुत सारे कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसको सिंपल रखें, और इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है ब्लॉग, ये वाला ऑप्शन। तो मैं यहाँ पर ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ, जैसे आप ब्लॉग पे क्लिक करोगे उसके बाद नीचे एक ऑप्शन और आएगा ब्लॉग पोस्ट, तो इस पे आपने क्लिक करना है। और गाइस, जैसे ही आप ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद सिंपल सा इंटरफेस आपके सामने आने वाला है, ये देख लीजिए, ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। बस अब आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पर हम कंप्लीट सेटअप करने वाले हैं, अपनी ब्लॉग पोस्ट को लिखने वाले हैं इस टूल की मदद से। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, जो पॉइंट नंबर 1 है इसके अंदर लिखा हुआ है डिस्क्राइब द ब्लॉग पोस्ट यू वांट टू क्रिएट, जो भी आप ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करिए, विवरण दीजिए। ओके, तो क्योंकि हम मेटिक्योर प्रोडक्ट का रिव्यू लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो इसलिए मैंने पहले से ही एक इसके लिए हेडिंग लिखी हुई, तो उसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और वो हेडिंग क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेटिक्योर रिव्यू 2022। और उसके बाद ये जो आगे लाइन लिखी है मैंने, ये इसलिए लिखी है ताकि इस टूल को बेहतर ढंग से समझ आए कि भाई मैं क्या लिखवाना चाहता हूँ इसको, ठीक है, तभी ये अच्छे से लिख पाएगा। यहाँ पर हमारे पास 300 characters हैं, आप देख सकते हो 300 करेक्टर्स के अंदर आपको ये यहाँ पर लिखना है टाइटल, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है कि भाई आप क्या लिखवाना चाहते हो। जितना अच्छी यहाँ पर आप लाइन लिखोगे, हेडिंग लिखोगे ना, उतना ही अच्छा ये आपको आर्टिकल लिख के देने वाला है। ओके, तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमने इसका टाइटल लिख दिया है, जो कि हमारे प्रोडक्ट का टाइटल होने वाला है, मेटिक्योर का रिव्यू हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर आपको इंडस्ट्री या फिर टॉपिक सेलेक्ट करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर सर्च करना होगा, क्योंकि ये जो हम आर्टिकल लिख रहे हैं, मेटिक्योर पर रिव्यू लिख रहे हैं, ये एक जो मेटिक्योर प्रोडक्ट है ये वेट लॉस के रिगार्डिंग है, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड ये प्रोडक्ट है। ओके, तो हम यहाँ पर एच लिखकर सर्च करेंगे, हेल्थ लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, इसके अलावा हेल्दी लिविंग है ना,
तो काफ़ी कुछ है हेल्थ से रिलेटेड, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से हेल्थ केयर इंडस्ट्री सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कीवर्ड्स ऑप्शनल है, आप यहाँ पर इसको कुछ कीवर्ड्स दे सकते हैं, जैसे कि मैंने हेल्थ लिखा, ये बिल्कुल टैग्स के समान है। उसके बाद यहाँ पर वेट लॉस लिख देते हैं, तो यहाँ पर मैंने 3 कीवर्ड्स दे दिए हैं, इसको आप 3-4 कीवर्ड्स यहाँ पर दे सकते हैं। इतना सा काम करना है, ये सेटअप हमारा हो चुका है। ऊपर हमने टाइटल दिया है, यहाँ पर इसकी कैटेगरी सिलेक्ट की है, उसके बाद कुछ इसको टैग्स दे दिए हमने। देन हमें यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ देर वेट करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपके लिए एक परफेक्ट टाइटल यहाँ से फाइंड करेगा, ओके, जो रैंक करे, ऐसा टाइटल जो देखने में भी कैची हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने हमें 5 टाइटल दिए हैं और बताया है कि कौन सा कितना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे जिसका स्कोर ज्यादा होगा इट मीन्स कि वो ज्यादा पोटेंशियल है उसकी कि वो ऊपर रैंक करे या फिर वो ज्यादा कैची हो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज मेटिक्योर एंड हाउ इट कैन हेल्प यू टू लूज वेट। ओके, तो ये मुझे अच्छा लगा तो इसको मैं यहाँ पर टिक करूंगा और उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको कुछ देर वेट करना है। अब ये आपकी पूरे आर्टिकल का आउटलाइन तैयार करके देगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ओके, सही है, मैं इसको रखना चाहता हूँ, अदरवाइज आप इसको डिलीट कर सकते हैं। देन अबाउट मेटिक्योर रिव्यूज, ओके, तो इसको भी मैं रखना चाहता हूँ। देन बेनिफिट ऑफ यूजिंग मेटिक्योर, ये भी बहुत ही बेहतरीन इसने पॉइंट्स यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, आप देख सकते हैं खुद से। ओके, माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद इट, ओके, ये देख लीजिए कितने अच्छे पॉइंट इसने दिए हैं। एंड वार्म अप, ओके, आप चाहें तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं और अपनी तरफ से भी यहाँ पर एक जो सेशन है या फिर एक हेडिंग है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। बट समय बचाने के लिए मैं सिंपली इसको यहाँ पर अभी नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यानी कि मैं इन 5 टॉपिक्स के साथ जाना चाहता हूँ, इन 5 कैटेगरी के साथ जाना चाहता हूँ। उसके बाद फिर से आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना है। अब ये जो इसने पॉइंट क्रिएट की है इनके लिए हम पैराग्राफ लिखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला जो पैरा होगा वो इंट्रो पैराग्राफ होगा, यानी कि सबसे ऊपर ऊपर आएगा सभी हेडिंग से पहले। तो वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जिसका स्कोर अच्छा हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये कुछ ठीक लगा, हालांकि मैंने रीड करके नहीं देखा है, बट आपको अच्छे से रीड करके देखना है। हालांकि ये टूल जो है बहुत कम गलतियाँ करता है, फिर भी आप यहाँ पे देखिएगा, इसको रीड करिएगा। अगर आप एक प्रोफेशनल ब्लॉग पर इसको लिखने जा रहे हैं तो मेक श्योर आप इसको जरूर चेकआउट करें। और कुछ लोगों के मन में ये होगा, अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, कुछ लोगों के मन में ये होगा कि भाई साहब ऐसे टूल का इस्तेमाल करके जब आर्टिकल लिखते हैं तो पता नहीं एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर हमारी ब्लॉग पोस्ट रैंक करेगी या नहीं करेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इसका प्राइस देख लीजिए, $250 तक का प्राइस है इसका। तो जो लोग खरीदते हैं अगर ऐसा कुछ हो या फिर अगर इस टूल का कोई बेनिफिट नहीं होगा तो इसका इतना प्राइस नहीं होता, इतना डिमांड नहीं होती इसकी और लोग $250 तक इस पे इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब एवरीथिंग इज ओके, आपको इसका एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा, आपकी पोस्ट रैंक भी करेगी। ओके, बस आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई ये सही लिख रहा है या नहीं। ओके, तो मेरे हिसाब से जो परफेक्ट है, बट ये मेरी इंडिविजुअल राय है, आपको अपनी तरफ से देखना है। ओके, देन यहाँ पर सेटअप जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू टू एडिटर इस पे क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप कंटिन्यू टू एडिटर पे क्लिक करोगे, आप देखिए यहाँ पर ये 5 हेडिंग हमारे सामने यहाँ पर आ चुकी हैं। पहला पैराग्राफ हमने लिख रखा है और ये हमारी हेडिंग है, जो टाइटल है हमारे आर्टिकल का। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन पर अगर आपने लिखना है पैराग्राफ तो इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपने पैराग्राफ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है जनरेट करने का, और नीचे आप देखोगे कि कितना लंबा आप टेक्स्ट लेंथ रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ से लॉन्ग पे क्लिक करूंगा ताकि काफी लंबा इंट्रोडक्शन लिखे ये। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको जनरेट पे क्लिक करना है और कुछ सेकंड के लिए आपको यहाँ पर वेट करना है। ये पूरा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो है वो अपने आप यहाँ पर लिख देगा आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक लिख रहा है यहाँ पर। अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है इसमें तो आप उसको सुधार सकते हैं यहीं पर, बट एवरीथिंग इज ओके, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी ऑल नो दैट वी नीड टू वर्क आउट इफ वी वांट टू लूज वेट, कैन वी ट्राई सम व्हाट इफ देयर वाज ए वे फॉर यू टू लूज वेट विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइजिंग, वेल दैट वाज मेटिक्योर डज फॉर यू। लेट्स टेक लुक एट हाउ यू कैन लूज वेट विदाउट हैविंग टू डू एनी एक्सरसाइज एट ऑल। ओके, अब मैं इसको और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहता हूँ, इसको बढ़ाना चाहता हूँ, तो सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है और फिर से आपको कपल ऑफ सेकंड यहाँ पर वेट करना है। ये आगे का पैराग्राफ भी अपने आप यहाँ पर आपको लिख के देगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर लिख रहा है। तो आप जितना चाहे उतना लंबा इसको कर सकते हैं, बट अपनी तरफ से जो पैराग्राफ लिखता है वो सफिशियंट होता है और अच्छा लिख देता है। यहाँ पर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपने बाकी सभी लिखने होते हैं, जैसे कि अब मैं इसको लिखना चाहता हूँ अबाउट मेटिक्योर रिव्यूज, तो जनरेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर और कुछ देर फिर से वेट करेंगे। तो बस आपको इसी प्रोसीजर को दोहराते रहना है। ये कुछ ही क्लिक्स में आपके लिए एक बेहतरीन आर्टिकल, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, 100% प्लैगरिज्म फ्री कंटेंट यहाँ पर आपको ये लिख के देने वाला है। तो इसी प्रकार से आपने जितनी भी आपकी हेडिंग होंगी, जितने भी आपने यहाँ पर पॉइंट्स क्रिएट किए हैं,
उनको ये यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, आप लिख सकते हो। चलिए गाइस, तो मैं यहाँ से इस आर्टिकल को पूरा फटाफट करता हूँ, और कुछ नहीं है यहाँ पर ज्यादा कुछ करने के लिए, इसी प्रकार से आपको सारे स्टेप पूरे करने हैं। आप कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो तो ये जो प्लस का आइकन दिया गया है इस पर क्लिक करके आप अपनी तरफ से कोई हेडिंग राइट करके उसके लिए भी पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, लिखवा सकते हो, लिख के देगा ये टूल आपको इजिली जिस प्रकार से बाकी इसने लिखे हैं। ओके गाइस, तो इस पोस्ट को मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं चाहता तो इसके पैराग्राफ को और ज्यादा बड़े कर सकता था, बट समय बचाने के लिए, वीडियो के लिए मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। और ये जो हेडिंग है लास्ट वाली, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड की थी, यानी कि 5 नंबर की जो हेडिंग थी रैप अप वाली, उसको मैंने हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया हाउ टू गेट एंड यूज मेटिक्योर। तो यहाँ पर इसने बहुत अच्छा पैराग्राफ लिखा है, और लास्ट में एक कॉल टू एक्शन बटन छोड़ दिया है कंटिन्यू रीडिंग बिलो। तो यहाँ पर हम अपना कोई भी एफिलिएट लिंक लगा सकते हैं और अपनी तरफ से भी कोई हेडिंग यहाँ पर या फिर कॉल टू एक्शन बटन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब ये हमारा आर्टिकल रेडी है, कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्लिक्स में। ये 562 वर्ड्स का आर्टिकल है, जैसा कि मैंने कहा कि आप इसको और ज्यादा लंबा कर सकते थे। ओके, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ओके, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पूरा आर्टिकल पेस्ट कर दिया है। अब आपने इसको अपनी तरफ से कस्टमाइज करना है, जो भी आप इसकी हेडिंग्स को बनाना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो, बड़ा छोटा लिखना चाहते हो, वो अपनी तरफ से आपको करना है। बाकी की तो मैनुअल प्रोसीजर है, जो भी आपको यहाँ पे बनाना है, इसको कस्टमाइज करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको कस्टमाइज कर दिया कुछ हद तक। बाकी आप इनके अंदर इमेजेस वगैरह लगाओगे तो आपका एक परफेक्ट आर्टिकल रेडी है, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। सो गाइस, आई होप आज की इस वीडियो में जो मैंने आपके साथ अमेजिंग टूल शेयर किया है, डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हो। आप अपनी राय नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर छोड़िएगा कि आपको ये टूल कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, तो भी आप कॉमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अमेजिंग वीडियो के लिए मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो में एक शानदार अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।